हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका। कांग्रेचुलेशंस, आखिर इतने सालों से जो वेट कर रहे थे वो वेट आज खत्म हो गई है ना, रेफरल आ गया। कांग्रेचुलेशंस। रेफरल आने के बाद की खुशी और बच्चा होने के बाद की खुशी दोनों सेम ही है। यस, वो तारीख कि फाइनली फाइनली आप पेरेंट्स बन गए। यस, तो रेफरल आया मतलब क्या होता है, आपको ईमेल आईडी पे बेबी की फोटो विद सीएसआर रिपोर्ट और साइमल्टेनियसली मैसेज भी आ जाता है, बेबी का फोटो और उस पर शॉर्ट डिटेल मेंशन होती है। ईमेल आईडी पे पूरा सीएसआर रिपोर्ट मेंशन होता है। ओके, तो ये आपको आ गया मतलब आपको रेफरल आ गया, ये होता है। तो अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसकी प्रोसेस। तो फर्स्ट पूरा सीएसआर शांत होके ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट में बच्चे की फुल इंफॉर्मेशन होती है। एजेंसी को बेबी के बारे में जितना पता है वो आपको सब उस चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे, अगर बेबी विद इन 6 मंथ्स का है तो बेबी एजेंसी में कौन से डेट को आया, क्या सरेंडर्ड किड है या कोई और रीजन है बेबी का वहाँ पे आने का, वो क्लियर मेंशन होता है। रीजन्स बहुत सारे होते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे। ओके, तो सेकेंडली अगर उसकी बर्थ डेट कन्फर्म पता है तो बर्थ डेट भी मेंशन होती है। जब बेबी एजेंसी में आया था तब उस बेबी की हाइट, वेट, वो क्या क्या एक्टिविटी करता था, अगर वो बड़ा होगा तो, अगर वो न्यूबॉर्न बेबी ही था तो इतना कुछ नहीं होगा, अगर उसके डोसेस हो चुके हैं, कौन कौन से डोसेस, उसके टीके कौन कौन से उसको डोसेस दिए गए हैं, कौन कौन से देने हैं, सब रहता है उसमें। ओके, बेबी रोज जो जो फेसेस देखता है वहाँ के एजेंसी में, अगर वो उनको आइडेंटिफाई करता है, क्या वो उनके साथ क्या वो उनके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, ये सब लिखा हुआ होता है अगर बेबी विद इन 6 मंथ्स का हो तो। अगर बेबी मोर देन 6 मंथ्स का है, विद इन अ ईयर का है, तो क्या बेबी क्राउन कर रहा है, क्या उसके टीथ है, क्या वो चल पा रहा है, क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो क्या क्या खाता है, सब डिटेल्ड होता है सीएसआर रिपोर्ट में। अगर बेबी मोर देन 2 इयर्स का है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, तो सीएसआर पढ़ने के बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ साइड में नोट डाउन करके रख लीजिए किसी पेपर या पेन पे, क्योंकि इतना खुश होते हैं ना तो ध्यान में ही नहीं रहता क्या पूछना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, शांति से जाएंगे। 48 आवर्स होते हैं। इन केस ऐसा हुआ कि आप किसी वेकेशन पे हो या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ योर प्लेस हो और आपको रेफरल आया है, आपको वहाँ जाके पता चला कि अरे यार मुझे तो रेफरल आ गया, अब मैं क्या करूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, 48 आवर्स होते हैं तो आप आफ्टर 36 आवर्स भी बेबी रिजर्व कर सकते हो। तब तक आपको क्या होता है, आपके घर आने का आपको चांस होता है। बेबी अगर रिजर्व कर दोगे आप हड़बड़ी में तो 20 डेज का काउंट तुरंत चालू हो जाएगा। तो वो जो 48 आवर्स का काउंट होता है तो उसके विद इन आपको क्या करना है, सीएसआर आपने रीड कर लिया, आपको सब अप्रोप्रिएट है, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आपके घर जाने के बाद बेबी रिजर्व करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे जिस एजेंसी से ये बेबी आया है उसको कॉल करना है। ऐसा नहीं है विद इन फ्यू मिनट्स आपको बेबी रिजर्व करना है, 48 आवर्स का वक्त होता है। वो इसीलिए होता है कि कोई इनकेस बाहर हो तो उनको उतना टाइम मिलना चाहिए कि घर तक आए, फिर आगे की भी बहुत सारी तैयारियां होती है, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन होता है उसके लिए। वंस यू रिजर्व दैट बेबी, प्लीज डू कॉल दैट एजेंसी। वहां पे क्लियरली उस एजेंसी का एड्रेस, एजेंसी का फोन नंबर सब डिटेल में मेंशन होगा।
तो आपको क्या करना है, उस एजेंसी को कॉल करके क्लियरली पूछना है अगर CSR में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आए, या अगर CSR में पॉइंट्स सारे हैं लेकिन आपको फिर भी और कुछ जानना है बच्चे के बारे में, आप क्लियर पूछ सकते हो, वो आपको फुल कोऑपरेट करते हैं, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ओके। एंड सेकेंडली आपको क्या पूछना है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ में लेके जाने हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपका HSR लगेगा, आपका जो 3 फाइल्स आपने बनाई थी HSR के डॉक्यूमेंट्स की, HSR के पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे तो उसकी जो 3 फाइल्स थी, तो उसकी एक ओरिजिनल की फाइल और एक जीरोक्स की फाइल, ये आपको उन्हीं से कंफर्म कराना है कि इस फाइल में मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके अलावा मैं और क्या क्या लेके आऊँ, है ना, क्योंकि एजेंसी टू एजेंसी, स्टेट टू स्टेट, ये रूल मतलब स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, इतने डिफरेंट नहीं होते, एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं सब लोग, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होता है एजेंसी टू एजेंसी, इसलिए। और फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स का भी कंफर्म करा लीजिए, कुछ कुछ एजेंसी को ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, फ्रेश ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स लगते हैं फिर से, क्योंकि आपने जब HSR के वक्त अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स दिए होंगे उसको मोर देन अ ईयर तो हो ही गया होगा, इसलिए अगेन आपको फ्रेश ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देने होंगे। अगर इनकेस नहीं लगते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स तो वो आपको पूरा नहीं सिर्फ कैरी करने, लेकिन ये आप कंफर्म कराओगे उनसे, है ना, क्योंकि रिपोर्ट्स आने में 2 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी, इसलिए ओके। और नेक्स्ट क्या है डॉक्यूमेंट्स के अलावा, कि ऐसा रूल है कि पिटिशन के वक्त आपको जो बेबी का नाम आपने दिया है पर्टिकुलर, आपकी तरफ से आपको देना होता है आपके बेबी को नाम, अगर मुझे कोई बेबी का रेफरल आया है मैं वहां पे गई, तो कस्टडी से पहले आपको उसका नाम देना होता है, जैसे मेरी बेबी का नाम है स्प्रूहा, तो इन शॉर्ट बेबी नेमिंग सेरेमनी होती है वो तो वो वहां पे होती है, तो आपको ये कंफर्म कराना होगा कि क्या हम तब जो नाम देंगे वही फाइनल नेम होगा जो बर्थ सर्टिफिकेट पे आएगा, या हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जब कोर्ट में आएंगे तब नाम दिया तो भी चलेगा, ये क्यों कंफर्म कराना है, क्योंकि आपको नेम भी डिसाइड करना होगा, है ना, ओके। तो आपने बेबी रिजर्व कर दिया है, उनसे कॉल कर लिया है, तो आप ये जान लो बेबी रिजर्व करने के बाद विद इन 20 डेज आपको बेबी की कस्टडी लेनी होती है, और मुझे पता है ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते जो फुल 20 डेज ले लेते हैं, वो जल्दी से जल्दी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि फोटो देखने के बाद नहीं रहा ही नहीं जाता कि ये अपना बेबी और उसको एजेंसी में कैसे छोड़े, नहीं होता वो, फोटो देखने के बाद तो हर माँ बाप जितना जल्दी हो सके जाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू कैरी विथ यू, अभी ये सब हो गया आपका पूरा बैग, अभी आपको पैक करना है, तो आपको क्या क्या पैकिंग करनी है ना वहां पे जाने के लिए, तो फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने कंफर्म करा लिए, उसकी वापस फाइल रेडी कर दी, वो आपको लेना ही है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, फोटोज़, अगेन कपल के फोटोज़ पासपोर्ट साइज में, कितनी कॉपीज लगेंगी, मेरे हिसाब से लगती है 4, लेकिन फिर भी आप उस एजेंसी से कंफर्म कराएंगे, ओके। ये बहुत इजी भी होता है और उतना ही टफ होता है कि बेबी के लिए क्या क्या लेके जाए, क्या क्या होगा, ऐसा कुछ रह गया तो क्या करे, है ना, अगर कुछ रह भी गया तो आप वहां पे जाके परचेस कर पाओगे, इतना भी ये मत करो, लेकिन जिनका बेबी विद इन अ ईयर का है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ है, तो मैं इजी बनाने के लिए क्या कर रही हूँ, तो मैं दे रही हूँ आपको ये लिस्ट पॉइंट टू पॉइंट, ओके। इसके बाद आएगा व्हाट इज द प्रोसेस वंस यू रीच इन दैट एजेंसी, का एक वीडियो आएगा, आपके जो भी पूरी एडॉप्शन के सीरीज को लेके या रेफरल ऑफ द किड को लेके आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेल मी, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, टिल देन बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।